जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, जब हम दुख में होते हैं, तो हमारी सबसे आम प्रतिक्रिया उस दर्द के माध्यम से हमारी परिस्थितियों को देखने की होती है। ये बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन ये विचार अक्सर हमें एक विकृत दृष्टिकोण देता है। मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताजा कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं अपने एक अच्छे दोस्त ग्राम के साथ एक सभा में बैठा था कि मुझसे पानी का गिलास गिर गया, और ये देखकर वो झुक गया और कहा, चिंता मत करो, आज सुबह मैंने अपना मोबाइल फोन शौचालय में गिरा दिया। हम दोनों उस पर खूब हंसे, लेकिन मैं सोचने पड़ गया कि ग्राम उन अच्छे लोगों में से है जिनसे आप कभी भी मिलेंगे। उन्होंने दुनिया भर में परमेश्वर की सेवा की है, अपना जीवन दिया, और फिर भी परमेश्वर ने उसे अपना मोबाइल फोन शौचालय में गिरने की अनुमति दी। क्या आपने कभी सोचा है परमेश्वर ऐसा क्यों होने देता है? और इसलिए अक्सर जब अच्छे लोगों के साथ कुछ बुरा होता है तो ऐसा लगता है कि ये उचित नहीं है। मेरे पास इसका कोई शानदार जवाब नहीं है, लेकिन परमेश्वर के तरीके हमेशा हमारे तरीके नहीं होते। आखिरकार उसने अपने बेटे को आपके और मेरे लिए क्रूस पर मरने के लिए भेज दिया। ये बहुत क्रूर था और ये उचित नहीं था। मुझे यकीन है कि कभी मैं जानना चाहूं कि परमेश्वर इन चीजों को क्यों होने देता है, लेकिन जब मैं उसके क्रूस को देखता हूं तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। धर्मशास्त्र बाइबल में पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 18-19 वचन में लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य है, क्योंकि लिखा है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। हम हमेशा नहीं जानते कि हमें गलत तरीके से क्यों दुख भुगतना पड़ता है, लेकिन हम ये जानते हैं कि खुद को पीड़ित करने के लिए परमेश्वर अजनबी नहीं है। ये परमेश्वर का ताजा वचन है आज आपके लिए।